अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 9 की ट्रांसलेशन करेंगे। माई कल्चर, माई प्राइड, मेरी सकाफत, मेरा फ़खर। लुक एट ऑल द पिक्चर्स, चूज एनी वन एंड डिस्कस इट। ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, होली, क्रिसमस, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार हैं जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो आपको पसंद है उसके बारे में आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान है एक डायलॉग। टीचर, अस्सलाम वालेकुम डियर चिल्ड्रन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम टीचर। टीचर, हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे गो जाते हैं टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के पास टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए ईदें। कितने बच्चे अपने दादा दादी के पास ईदें मनाने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वी ऑल, हम सब गो जाते हैं एंड विजिट देम, और उनसे मिलते हैं। टीचर, डू यू गेट न्यू ड्रेसेस एंड गिफ्ट्स एज वेल, क्या आपको नए कपड़े और गिफ्ट्स और तहाइफ भी मिलते हैं। क्या आपको नए कपड़े और तहाइफ भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स, येस, जी हाँ। फ्रॉम अंकल्स एंड आंट्स आल्सो, जी हाँ, अंकल्स और आंट्स से भी, यानी कि जितने भी हमारे अंकल हैं और आंटियाँ हैं उन सब से भी तहाइफ मिलते हैं। माई कल्चर, माई प्राइड, मेरी सकाफत, मेरा फ़खर। विच इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश क्या है। अब जो भी है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। माई फेवरेट डिश इज़ बिरयानी, सबकी बिरयानी है। अगर कोई और कुछ लिखना चाहता है तो यहाँ पर लिख सकता है। व्हाट ड्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा ड्रेस है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक द मोस्ट शलवार कमीज़, शलवार कमीज़ सबको पसंद होती है। ठीक है, आई लाइक द मोस्ट शलवार कमीज़। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिशेज डू यू लाइक द मोस्ट, शेयर इट विद द क्लास, अपनी क्लास के साथ शेयर करें कि आपको सबसे ज़्यादा डिशेज़ जो हैं खाने में वो कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं। उनके नाम लिखने हैं, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। माई फेवरेट डिशेज़ आर कबाब, टिक्का, बिरयानी, चिकन रोस्ट एंड खीर, आइसक्रीम, इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो आपको पसंद हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आवर लाइफस्टाइल, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, हमारा जो लाइफस्टाइल है मतलब हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। आवर होम पाकिस्तान, हमारा घर पाकिस्तान। इज़ द लैंड सरजमीन है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, मुख्तलिफ सकाफ़तों की सरजमीन है। हमारा घर पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ सकाफ़तों की सरजमीन है। फ्रॉम खैबर टू मेहरान, वी ऑल, हम सब लिव रहते हैं हैप्पीली, खुशी से विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। खैबर से मेहरान तक, वी ऑल, हम सब लिव रहते हैं हैप्पीली, खुशी से विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। कि खैबर से मेहरान तक हम सब एक दूसरे के साथ खुशी रहते हैं, खुशी से रहते हैं। अ नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स, त्यौहार की मतलब बहुत ज़्यादा तादाद। अ नंबर ऑफ़ फेस्टिवल्स, कई किस्म के जो त्यौहार हैं एंड इवेंट्स और तकरीबात आर सेलिब्रेटेड मनाई जाती हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल बहुत से त्यौहार और तकरीबात मनाई जाती हैं। पाकिस्तानीज़ आर हॉस्पिटेबल पीपल, के पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज लोग हैं। वी ऑलवेज, हम हमेशा टेक केयर, ख्याल रखते हैं ऑफ आवर गेस्ट, अपने मेहमानों का, हम हमेशा अपने मेहमानों का ख्याल रखते हैं। वी कुक हम पकाते हैं मैनी डिलीशियस, बहुत सी मज़ेदार डिशेस खाने, एंड इनवाइट आवर रिलेटिव्स, और इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं आवर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। हम बहुत से मज़ेदार खाने पकाते हैं, बनाते हैं या फिर अपने, और फिर एंड इनवाइट आवर रिलेटिव्स, और फिर अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं। वी वियर कलरफुल ड्रेसेस, हम पहनते हैं कलरफुल ड्रेसेस, हम रंगीन कपड़े पहनते हैं। लोकल गेम्स, मकामी खेलें एंड अदर इवेंट्स, और दूसरी तकरीबात आर अरेंज्ड, और दूसरी तकरीबात का अरेंज्ड एहतमाम किया जाता है। इन विच, जिसमें द यंग, नौजवान एंड द ओल्ड, और बूढ़े लोग टेक एन एक्टिव अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं, टेक एक्टिव पार्ट अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। टू स्पेंड, गुजारने के लिए,
मेमोरेबल टाइम, मेमोरेबल टाइम यादगार वक्त। मकामी खेलें और दूसरी तकरीबात इवेंट्स और दूसरी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है जिसमें बुजुर्ग जिसमें नौजवान और बुजुर्ग यादगार वक्त गुजारने के लिए अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं। कल्चर इज़ द वे, कल्चर कैसा तरीका या जरिया है वी लिव जिसमें हम रहते हैं, फूड खुराक वी ईट जो हम खाते हैं, ड्रेसेस लिबास वी वेयर जो हम पहनते हैं एट्सेट्रा। सकाफत एक ऐसा तरीका और जरिया है कि जिस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल होता है, मतलब हमारे रस्म व रवाज क्या हैं, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हम खुराक क्या खाते हैं और लिबास क्या पहनते हैं, ये सब किस में आता है, कल्चर में आता है। ठीक है, सकाफत एक तरीका है, एक जरिया है वी लिव जिसमें हम रहते हैं, खुराक जो हम खाते हैं, लिबास जो हम पहनते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं एट्सेट्रा। द रिलीजन मज़हब वी फॉलो जिसके हम पैरवी करते हैं रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करता है इन आवर मैनर्स हमारे तौर तरीकों के एंड रूटीन और मामूल के। मज़हब जिसके हम पैरवी करते हैं वो हमारे तौर तरीकों और मामूल की अक्कासी करता है, मतलब जिस तरह का हमारा मज़हब होगा उसी तरह के हमारे मैनर्स होंगे और रूटीन होगी, हमारे मज़हब का हमारे तौर तरीकों से और मामूल से पता चलेगा, हमारे जो डेली रूटीन हमारी होती है, हमारे जो रोज़ाना के मामूलात हैं वो क्या करते हैं, हमारे मज़हब की अक्कासी करते हैं कि हम किस मज़हब से बिलोंग करते हैं। इन पाकिस्तानी कल्चर पाकिस्तानी सकाफत में वी हेल्प हम मदद करते हैं नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोगों की टू सॉल्व हल करने के लिए देयर प्रॉब्लम्स उनके मसाइल। पाकिस्तानी सकाफत में हम ज़रूरतमंद लोगों के मसाइल हल करने के लिए उनकी मदद करते हैं। आवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे शो रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं टू एल्डर्स बड़ों की, हमारे बच्चे बुज़ुर्गों की इज्जत करते हैं एंड दे और वो इन रिटर्न जवाब में, और बुज़ुर्ग क्या करते हैं और वो जवाब में लव मोहब्बत करते हैं द चिल्ड्रन बच्चों से, हमारे बच्चे बुज़ुर्गों की इज्जत करते हैं और वो जवाब में चिल्ड्रन बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अ सीनियर सिटीजन एक बुज़ुर्ग शहरी इन अ विलेज एक गाँव में हो और अ सिटी या फिर शहर में हो इज़ रिस्पेक्टेड उसे इज्जत दी जाती है बाई ऑल सबसे, हर तरफ से उसे इज्जत मिलती है इन द नेबरहुड हमसायों में, मतलब हमसायों में भी और हर जगह से हर तरफ से जो बुज़ुर्ग शहरी होता है बेशक वो गांव में हो या शहर में हो हर तरफ से उसे इज्जत दी जाती है एज अ क्लोज रिलेशन ऑफ देयर्स एक करीबी रिश्ते की तरह, जैसे कि उसके साथ कोई करीबी रिश्ता हो एज अ क्लोज रिलेशन ऑफ देयर्स। ठीक है, करीबी रिश्तों की तरह एक बुज़ुर्ग शहरी एक गांव में हो या शहर में हो उसे सब हमसायों की तरफ से इज्जत दी जाती है क्लोज करीबी रिश्ते की तरह। वी लिव हम रहते हैं एज अ फैमिली एक ख़ानदान की तरह विद आवर पेरेंट्स अपने वालदैन के साथ एंड ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी के साथ, हम अपने वालदैन और दादा दादी के साथ एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर हमें फ़ख्र है ऑफ आवर कल्चर अपनी सकाफत पर, हमें अपनी सकाफत पर फ़ख्र है। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका पसंदीदा त्यौहार जो कौन सा है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ ईद उल फितर। वट टाइप ऑफ ड्रेस डू यू वेयर ऑन योर रिलीजियस फेस्टिवल्स, जो आपके मजहबी त्यौहार होते हैं उसमें आप किस टाइप का ड्रेस पहनते हो लिबास पहनते हो। आई वियर शलवार कमीज ऑन माई रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी ट्रांसलेशन जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।